हेलो गाइस, गुड इवनिंग. वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेड अड्डा. मैं मधुश्री हूँ. सो आज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे. 2022 का होम साइंस का जो पीवाईक्यू था, लास्ट 2 वीक से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पीवाईक्यू इसी. और 2020 मैंने कंप्लीट कर दिया, 2021 भी मैंने कंप्लीट कर दिया. आज मैंने सिक्वेंस में ही मैं कर रही हूँ. 2022 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2023 का मैं लेके आऊंगी. और पूरे पीवाईक्यू सीरीज चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हम लोग 25 जुलाई ऑनवर्ड्स JRF अड्डा ऐप पे होम साइंस के पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं. और इसके लिए डिटेल्स एक सेपरेट वीडियोस मैं लाइव लेके आऊंगी. उस दिन आप लोगों का पूरे क्वेरीज मैं कोशिश करूंगी सॉल्व करने की. और हमारा क्या स्ट्रेटजीज रहेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और कैसे अभी जो ट्रेंड्स है ना क्वेश्चन पैटर्न की, आपको भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है तो डिटेलिंग पढ़ना जरूरी है. और कैसे हम लोग स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. पर आप जान लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो पेपर 1 प्लस पेपर 2 अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो 9999 ये कोर्स फीस होगा दिसंबर के लिए. और अगर आप पेपर 2 परचेस करना चाहते हो सिर्फ, तो 6999 ये आपका फीस रहेगा सिर्फ पेपर 2 के लिए, आई मीन होम साइंस के लिए. तो लेट्स स्टार्ट देन. आज हम लोग 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. इफ अ हाइट ऑफ एन एडल्ट वेमेन इज 150 सेमी, आइडियल वेट एज कैलकुलेटेड बाय ब्रोकास इंडेक्स विल बी, यहाँ पे चार ऑप्शन है, 100, 75, 50 और 45.5. तो आंसर विल बी 50 kg. कैसे होता है हम लोग जान लेते हैं. देखिए, एक ब्रोकास इंडेक्स का फॉर्मूला है. स्पेसिफिक फॉर्मूला में क्या बोला है, आइडियल बॉडी वेट आप कैसे निकाल पाएंगे. हाइट जो है, हाइट कितना बोला है क्वेश्चन में, 150, ठीक है. उससे आपको 100 माइनस करना है. अगर आप करते हो तो आंसर विल बी 50, ठीक है, 50 kg हाइट इन सेमी एंड आंसर विल बी 50 kg. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ एन ओनर ऑफ अ फूड सर्विस यूनिट टेक्स अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच बट फॉल शॉर्ट ऑन अ कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन, द टर्म दैट द बेस डिस्क्राइब दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज शॉर्टगन अप्रोच. सी, फूड सर्विस मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है. तो फूड सर्विस मैनेजमेंट में स्पेसिफिक एक एरिया आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके, ठीक है. तो वहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस है कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है फूड सर्विस मैनेजमेंट एरिया में, कौन से टेक्निक्स होते हैं, है ना. तो वहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच, मल्टीप्लायर सिस्टम अप्रोच, शॉर्टगन अप्रोच आता है. तो आपको पता लग गया शॉर्टगन अप्रोच है क्या. ये एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है. तो यहाँ पे जो ओनर है फूड सर्विस यूनिट का, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में अक्यूमुलेट करके एक साथ चलाने की, फूड सर्विस यूनिट चलाने की कोशिश करते हैं. पर वो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, अगर मैं एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज एक साथ कर रही हूँ, तो मुझे पहले कोऑर्डिनेशन सही करना पड़ेगा. पर उस टाइम पे वो चूक जाते हैं कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में. तो ये स्पेसिफिक अप्रोच को शॉर्टगन बोलते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्टिव अप्रोच क्या है, मल्टीप्लायर अप्रोच क्या है और सपोर्ट सिस्टम अप्रोच क्या है. तो फर्स्ट है सिलेक्टिव अप्रोच. तो सिलेक्टिव अप्रोच में क्या बोला है, सिलेक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द लैटेंट एप्टीट्यूड्स एंड एप्रोप्रिएट एटीट्यूड्स टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप करियर सच एज द पर्सन इज कंसिडर्ड डिजायरेबल रिसीवर्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. तो क्वेश्चन में आपको फूड सर्विस मैनेजमेंट के ऊपर पूछा है, पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में यहाँ पे आपको ओवरऑल बोला है कि सिलेक्टिव अप्रोच कैसे काम करता है. स्पेसिफिक जो पर्सन है उसके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के ऊपर सिलेक्टिव मेथड में ये आइडेंटिफिकेशन होता है और अप्रोच सिस्टम को काम करके
ये इम्प्लीमेंटेशन होता है. नाउ सेकेंड इज मल्टीप्लायर मेथड अप्रोच. इट इन्वॉल्व्स द इंटरमीडिएट मीडिएटरीज और कैटलिस्ट ऑफ अ चेंज लाइक ट्रेनर, एक्सटेंशन ऑफिसर, कंसल्टेंट्स. दिस इंटरमीडिएटरीज प्रोपेगेट प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस विच इन टर्न ट्रिगर ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इंटेंस सेट्स ऑफ अ चेन रिएक्शन. इट डेवलप्स ट्रेनर स्किल्स, फिर पर्सनैलिटी. एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी लेवल इंटरप्राइज ही सर्व ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ठीक है. सी तो यहाँ पे मल्टीप्लायर मेथड में क्या होता है, एक कैटलिस्ट रहता है. ठीक है. जो ट्रेनर, एक्सटेंशन ऑफिसर या कंसल्टेंट होता है, तो वो जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, डिफरेंट जो फंक्शंस है वो कैसे पॉजिटिवली ट्रिगर हो एक मेथड सिस्टम में या प्रोग्राम में, वो उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर अप्रोच. सपोर्ट सिस्टम अप्रोच क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग. इज अ मॉड्यूल ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल थ्रू द एंटरप्रेन्योर. दिस नॉर्मली इंक्लूड्स द टॉपिक ऑन अ बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, डेवलपिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रपोजल फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. ये नॉर्मल है सपोर्ट सिस्टम अप्रोच. कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है फॉर ट्रेनिंग पर्पस, इवन डेवलपिंग द टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप. आपको स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए, स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स, प्रपोजल, प्रिपरेशन, ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसको ही बोल रहा है सपोर्ट सिस्टम अप्रोच. सी नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द माइक्रोबायोलॉजिकल एंटिटी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द पैथोजेंस इन वाटर. A practice that has been extended to foods is called coliform. ठीक है. यहाँ पे water is a keyword, तो water के साथ coliform जुड़ा हुआ है. ठीक है. Now salmonella, salmonella जो common एक variant है वो है typhi. ठीक है. इससे क्या होता है, typhoid होता है. ठीक है. और बाकी कोरिफॉर्म तो नहीं है कुछ. ठीक है. तो ये याद रखिएगा, कोलीफॉर्म एंड साल्मोनेला. साल्मोनेला ऐसे एग्स पे भी मिलता है, फिर जो फूड्स है इन्फेक्टेड उसमें भी मिलता है. ठीक है. फिर रॉ मीट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, उसमें भी पाया जाता है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर. आपको बोलना है ये जो चार ऑप्शन है, विकुआना, सीसल, एरामेट और एनिडिक्स, इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर है, तो आंसर वुड बी सीसल. ठीक है. बाकी का फाइबर क्या है वो हम लोग जान लेते हैं. एनिडेक्स क्या है, एनिडेक्स इज वन ऑफ द इलेस्ट्रोमेट्रिक सिंथेटिक फाइबर. इट इज मेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लीनियर पॉलीमर. एरामेट क्या है, एरामेट इज अ शॉर्ट फॉर एरोमेटिक पॉलीमेट एंड आर अ क्लास ऑफ हीट रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर. विकुआना क्या है, विकुआना एक एनिमल है. ठीक है. और इससे उल मिलता है. इट इज द फाइनेस्ट एंड रेयरेस्ट नेचुरल फाइबर. ठीक है. तो एरामेट एनिडेक्स सिंथेटिक है, एरामेट हीट रेजिस्टेंट है, और ये एनिडेक्स जो है ये आर्टिफिशियल लीनियर फाइबर है, इलेस्ट्रोमेट्रिक. ठीक है. नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज वेफ्ट नीट फैब्रिक मेड विद द नीट एंड टक स्टिचेस क्रिएटिंग एन ओपन मेश स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे चार ऑप्शन ऑप्शन है, एनिडेक्स, लेम, लैकोस्टे एंड लेस्ट्राइल. तो आंसर वुड बी लैकोस्टे. तो लेम क्या है, लेम इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक ओवन और नीट विद अ थिन रिबन्स ऑफ मेटालिक फाइबर. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ की वर्ड कनेक्टिंग विद द लेम. ठीक है. नेक्स्ट आपको जो दिसंबर का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, तो लेम का है मेटलिक फाइबर, इट्स अ कीवर्ड. ठीक है. इट्स अ रैप्ड अराउंड द नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स लाइक सिल्क, नाइलॉन, स्पैंडेक्स फॉर एडेड स्ट्रेच एंड वेयर द रिबन्स आर रैप्ड अराउंड द फाइबर यार्न. यहाँ पे इसका पिक्चर है, जो ये आप ड्रेस देख रहे हो. ठीक है. इट्स अ मेड विद द लेम फाइबर. आप देख रहे हो यहाँ पे मेटलिक बहुत सारे रेशे है, रिबन्स है.
है ना, तो ये शाइन कर रहा है, शाइनी टेक्सचर होते हैं लेम में। लेस्ट्राइल क्या है? लेस्ट्राइल फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग को पॉलीमर्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल एंड डिनाइन सच एज ब्यूटाडाइन। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ अ फॉलोइंग इज क्लोजली ओवन फैब्रिक विद प्लेबी सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय डॉबी अटैचमेंट? तो आंसर वुड बी बार्था। बाकी क्या है हम लोग जान लेते हैं। तो बार्था क्या है? इट्स एन एक्सपेंसिव फाइन इंग्लिश क्लोथ क्लोजली ओवन विद अ स्लाइट डायगोनल वीव एंड ब्रोकन रिब इफेक्ट। तो बार्था में स्पेसिफिकली आपको डायगोनल वीविंग मिलेगा और उसमें ब्रोकन रिब इफेक्ट मिलेगा। मेनली यूज्ड एज अ सूटिंग और यूनिफॉर्म फैब्रिक एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेन इवनिंग क्लोथ। बेल्ब्रिक ग्रेन, इट इज अ टाइप ऑफ होशियरी फैब्रिक। स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड टू डेवलप द अंडरगार्मेंट्स फॉर मेन। एंड बेंगलाइन फैब्रिक इज अ क्रॉस वाइज रिब मेड फ्रॉम टेक्सटाइल फाइबर सच एज रायोन, नाइलॉन, कॉटन, फिर ऊल, ऑफन इन अ कम्बिनेशन। कहाँ पे बेंगलाइन यूज होता है? क्लोथिंग ड्रेसेस लाइक गाउन्स, वेडिंग गाउन्स, कोट, पैंट्स में यूज होता है और होम फर्निशिंग लाइक कर्टेन्स, फिर टेबल कवर, बेडशीट, ये प्रिपेयर करने में भी बेंगलाइन यूज होता है। नाउ बार्क क्लॉथ इज अ वर्सेटाइल मटेरियल दैट वॉज वंस कॉमन इन एशिया, अफ्रीका एंड पैसिफिक। एंड बार्क क्लॉथ कॉमनली प्राइमरीली फ्रॉम ट्रीज फैमिली, इट्स कॉल्ड मोरोएका। ठीक है। तो बार्क क्लॉथ आपको पता लग रहा है कि जो ट्रीज है, पेड़ है, उसका बार्क से ही बनता है। ठीक है, उसका रेशे से बनता है। नाउ सेवन नंबर क्वेश्चन इज, अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मर्सेंडाइज कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप लुक एज राउंड। तो पहले भी मैंने आपको PYQ सॉल्व किया था, तो लास्ट अगर आप देखते हो, लास्ट जो 100 PYQ सीरीज है उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक स्लाइड्स रखा था कि कौन से फाइबर के, जैसे कॉटन फाइबर है, सिल्क है, बहुत सारे फाइबर्स की अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं और उसका व्यू देखते हैं तो क्या स्पेसिफिक ट्राइगोनल मिलता है, पॉलीगोनल कौन सा होता है, किडनी शेप कौन सा होता है, फिर राउंड शेप कौन सा होता है। तो पहले का जो PYQ सेशन हो गया था, जिसका क्लास हो गया था, मैंने ले लिया ऑलरेडी, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर एक नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग फुल स्लीव गैदर्ड ऑन अ नैरो टू द कफ। ठीक है। तो आंसर वुड बी बिशप। आइए देख लेते हैं। देखिए, जो अपैरल डिजाइनिंग वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स मिलेगा, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर्स है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव है ना। तो वहाँ पे जो मेन फोकस वाले एरिया है वो है पिक्चर। पिक्चर से आप याद रखो कि कैसे कौन सा देखने के लिए मतलब होता है, कैसा दिखता है ना। जैसे फर्स्ट ये जो पिक्चर देखो, ये है ट्यूलिप। ठीक है। तो स्लीव कैसा है? ऐसे फ्लावर जैसे है, ट्यूलिप फ्लावर जैसे है ना। ये जो आपको बोला है ये है बिशप स्लीव, लॉन्ग फुल स्लीव गैदर्ड ऑन नैरो टू द कफ। ये देखिए पूरे फुल स्लीव है पर ये जो कफ पोर्शन है यहाँ पे गैदर्ड है और नैरो है, यहाँ पे इंटैक्ट है, राइट। अब पहले देख लेते हैं राग्लन स्लीव। ऑप्शन में और दो जो आपको कोड्स मिला था वहां पे, एक था रागलन और एक है सैडलर। तो पहले जान लेते हैं रागनल क्या है। रागनल इट इज अ ट्रेडिशनल स्लीव दैट इज स्टाइल द स्टाइल लाइन स्टार्ट्स एट द आर्म होल नॉच एंड एक्सटेंड टू द नेक लाइन। ठीक है। तो आर्म होल नॉच जो है, यहाँ पे पॉइंट भी आपको मार्क किया हुआ है, आर्म होल नॉच से चालू होता है। ठीक है। और एक्सटेंड टू द नेक लाइन, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। और सैडलर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रागनल स्लीव जॉइंट विद द सीम दैट इज कर्व्ड नियर द अंडर आर्म एंड देन इट इज पैरेलल टू द शोल्डर। यहाँ पे अंडर आर्म में कर्व है, ठीक है, और शोल्डर से पैरेलल है।
नाइन नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन एडॉप्शन थ्योरी। अगर मेरा क्लास आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज पहले से देखने के लिए मिलेगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन में जो नॉट है, ओनली है, एक्सेप्ट है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना होता है। आपको यहाँ पे बोला है कौन सा फैशन एडॉप्शन थ्योरी से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या बोला है, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डायगोनल एंड ट्रिकल अप। तो आंसर वुड बी ट्रिकल डायगोनल थ्योरी। ठीक है, अब जान लेते हैं बाकी के ऑप्शन क्या है। तो ट्रिकल डाउन क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रिकल डाउन थ्योरी सोसाइटीज इलाइट्स और वेल्दी पीपल सेट द फैशन ट्रेंड्स एंड देन लेटर स्प्रेड टू द मिडिल लोअर क्लासेस। जो हायर क्लास है, हायर क्लास से जब लोअर क्लास इसमें फैशन ट्रेंड्स जाता है उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। ठीक है, ट्रिकल अप क्या है, ट्रिकल अप इसका ऑपोजिट है, जब लोअर क्लास से हायर क्लास में जाता है, या ऐसे आप देख लो लोअर क्लास से जब हायर क्लास में जाता है उसको बोलता है ट्रिकल अप थ्योरी। ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी को क्या बोलता है, ट्रिकल अक्रॉस मतलब है एक टाइम में डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक जो क्लासेस है उसमें अगर आपके जो फैशन ट्रेंड्स है वो एडॉप्शन हो रहा है उसको बोलता है ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। ट्रिकल अक्रॉस का और एक नाम है उसको बोलते हैं मास मार्केट थ्योरी। 10 नंबर क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन में बोला है मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट, टेकिंग एक्शन टू द करेक्ट परफॉर्मेंस, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ अ परफॉर्मेंस, टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप्स। तो आपको बोल रहा है यहाँ में, मतलब ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग फंक्शन के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या बोला है, तीन नंबर पे गौर कीजिए, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ अ परफॉर्मेंस। तो हम लोग स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कब करते हैं, कोई भी प्रोग्राम या प्रोसेस चालू होने से पहले, राइट, बीच में इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है कंट्रोलिंग, तो बीच में हम लोग स्टैंडर्ड सेट नहीं करते, राइट, तो इसलिए ये होगा, ये कंट्रोल का पार्ट नहीं है। बाकी आइए मेजरिंग द करेंट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट, ऑब्वियसली तो कंट्रोलिंग हम जब कर रहे हैं उसमें रिव्यू भी करते हैं, करेंट परफॉर्मेंस क्या है, कोई गैप है, लैक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर पिछले जो हम लोग अभी कर रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर रिव्यू, इसके आगे अगर कुछ रिव्यू प्रोसेस हो गया है उसके साथ हम लोग स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, देन टेकिंग एक्शन टू द करेंट परफॉर्मेंस। अगर कुछ गैप निकल के आ रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस में तो उसके ऊपर सही जो एक्शन है वो लेना जरूरी होता है, तो वो लेते हैं। फिर फोर नंबर क्या बोला है, टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप्स। तो रिव्यू प्रोसेस अगर होगा, अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, उसको प्रीवियस जो स्टेप है उससे लिया जाता है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रेंजिंग फ्रॉम अ सीवियर डिसऑर्डर टू द माइल्डर डिसऑर्डर इट्स कॉल्ड एज ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको एएसडी भी बोलते हैं। नाउ एस्परेजर सिंड्रोम क्या है, एस्परेजर आपके ऑप्शन में और दो था, ठीक है, एक है एस्परेजर सिंड्रोम, एक है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये ऑप्शंस था आपका, तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एस्परेजर सिंड्रोम क्या है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर क्या है। तो एस्परेजर सिंड्रोम जो है ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पार्ट है, तो स्पेसिफिकली यंग जो पीपल है उनमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अगर किसी में एस्परेजर सिंड्रोम है तो वो सोशली, उसको सोशली कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो थिंकिंग पैटर्न होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं और जो बिहेवियरल पैटर्न होते हैं वो रिपीटेटिव होता है। यहाँ पे वही बोला है कि थिंकिंग पैटर्न्स कैन बी रिजिड एंड रिपीटेटिव, ठीक है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर, इसको स्टार्टरिंग भी बोला जाता है। तो स्टार्टरिंग में स्पेसिफिकली क्या होता है, ये बहुत कॉमन है, आपने देखा ही होगा, इसमें क्या होता है, एक जिसको स्टार्टरिंग डिसऑर्डर है उसको एक सेंटेंस बोलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ब्रेक दे दे के उन लोग बात करते हैं, ठीक है, ऑकवर्ड पॉज होता है। Now, 12 number question is, biological changes in elderly do not result in, आपको यहाँ पे बोलना है कौन से biological changes का side effect या result नहीं है, ठीक है, not बोला है, only, not, except,
ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। क्या क्या बोला है? फंक्शनल लॉस और डिक्लाइन, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, ह्यूमन मोर्टलिटी और चेंज इन आईक्यू। तो नॉट बोला है, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल चेंजेस का रिजल्ट ह्यूमन आईक्यू पे नहीं बढ़ता है। हाँ, ऑब्वियसली डिजीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, डिजीज इंक्रीज रिस्क मतलब जो मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी प्रोफाइल हाई हो जाता है। अगर किसी के कोई एल्डरली में मॉर्बिडिटी हाई है तो उसका मॉर्टलिटी का चांसेस भी हाई रहेगा। मॉर्टलिटी मतलब मृत्यु, ठीक है। और फंक्शनल लॉस और डिक्लाइन, अगर किसी में मॉर्बिडिटी प्रोफाइल हाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस है, तो उसका तो डिफरेंट ऑर्गन में फंक्शंस जो है वो डिक्लाइन करेगा, तो फंक्शनल लॉस होगा। अब 13 नंबर क्या बोला है? ब्रूनर 1966 आउटलाइन द मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी यूज्ड बाय ह्यूमंस एज दे डेवलप देयर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। दिस आर, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इनएक्टिव आइकनिक सिंबॉलिक, एक्टिव पैसिव जर्नलिंग, पैसिव स्केचेस पिक्चर्स, इलस्ट्रेशन ड्रॉइंग्स एंड इमेजेस। तो आंसर विल बी इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो जेरम ब्रूनर जो है उन्होंने कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन का तीन स्टेजेस दर्शाया है। क्या क्या है? इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट द नॉलेज थ्रू द एक्शन, ठीक है। आइकॉनिक में क्या बोला है? इट इज विजुअलाइज समराइजेशन ऑफ द इमेजेस। सिंबॉलिक में क्या बोला है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच इज यूज ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस, राइट। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन इज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन द कनेक्शंस अक्रॉस द मेजर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट सच एज कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड वाज व्हाट? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, डीबीटी थियोरिटिकल ओरिएंटेशन, इथोलॉजिकल थियोरिटिकल ओरिएंटेशन, इलेक्टिक थियोरिटिकल ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव थियोरिटिकल ओरिएंटेशन। तो आंसर विल बी इलेक्टिव थियोरिटिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। अब जान लेते हैं ये जो चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस मैं डिटेल्स डिस्क्राइब नहीं करूंगी। आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, जानना है, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ और आपको पता लग गया मैं किस ट्रेंड्स में पढ़ाती हूँ, राइट। मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करती हूँ। देखो, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। तो जेआरएफ क्लियर करने में स्मार्ट वर्क जरूरी है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ चीज पढ़ के जाना पड़ता है और उसके इर्द इर्द गिर्द से क्वेश्चन आता है। वो हमेशा आप अगर 10 साल का पेपर उठा लो, उसमें वही ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप डिटेल अच्छे तैयारी आप करना चाहते हो दिसंबर के लिए, तो आप पेड कोर्स ज्वाइन करो। पेड कोर्स कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, उसका मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। तो उसमें आपको ये सारे डिटेल्स मिलेगा कि कौन से न्यू थियोरीज है, किसने दिया है, और थियोरीज और बहुत जिस्ट में मिलेगा। जितना आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कॉम्पैक्ट वे में पढ़ना है, जहाँ से आपको स्कोर करने में आसानी पड़े। हर चीज़ पढ़ के नहीं जाना होता है। अब बहुत सारे मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ हमेशा, और रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कौन सा बुक पढ़ के जाए। देखो, एक बुक पढ़ के, ठीक है, जेआरएफ क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, और बुक से तो मोर और लेस आता ही नहीं है। अपना नॉलेज एनहेंस करने के लिए अपडेट अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कैसे आप करोगे? PYQ से अपना प्रिपेयर तैयारी करो। कैसे प्रिपरेशन करना है, मैंने बहुत पहले जब मैंने क्लास लेना चालू किया था तब एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखो। बुक्स तो है, वो है, पर PYQ आप पढ़ो। PYQ करने से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा आपको एग्जैक्टली कौन से यूनिट से क्या पढ़ना है, वही आप प्रिपेयर करके जाओ। और बहुत सारे बुक्स है, पर बहुत सारे बुक्स में सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप हर एक यूनिट के लिए अलग से बुक्स परचेस करना चाहोगे, तो JRF की तैयारी 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं ट्रूली बोल रही हूँ, नहीं हो पाएगा। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। तो जो अभी अभी जो पैटर्न है ना क्वेश्चन में,
उसमें बुक से नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस से भी दिया जाता है ना। तो ये सारे टिक्स, ट्रिप्स, कीवर्ड्स मेरे क्लास में आपको डिटेल में मिलेगा, वहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, इंटरेक्ट कर पाओगे। तो आप 25 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग लॉन्च करेंगे होम साइंस के कोर्स। यू कैन परचेज एंड कॉन्टैक्ट द JRF अड्डा टीम। JRF अड्डा जो एप्लीकेशन है उसमें लिया जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिला है। तो क्या है DBT थियोरेटिकल ओरिएंटेशन? ये किसने दिया है? मार्सा लिनहेन ने, ठीक है। इथोलॉजिकल थियोरेटिकल ओरिएंटेशन आपको पता है कॉनराड लॉरेंस ने दिया है। फिर इलेक्ट्रिकल थियोरेटिकल ओरिएंटेशन आर्नोल्ड लाजरूस ने दिया है। कॉग्निटिव थियोरेटिकल ओरिएंटेशन आरोन बेग ने दिया है। सी, ये जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ थियोरीज है ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है JRF के बाहर जितने भी एग्जाम हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, UPHSC, MPPSC, है ना, UPPSC, इवन आप TGT PGT के एग्जाम भी दो, वहाँ पे तो आपको NCERT पहले कंप्लीट करके जाना पड़ता है। और आप जब भी इवन नेट JRF के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT पहले पढ़ो। NCERT अगर आप पढ़ोगे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। NCERT में बहुत सारे चैप्टर्स है। अगर पहले आप PYQ सॉल्व करो उसके बाद NCERT पढ़ो। NCERT अगर आप पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स मिलेगा जो आपको मिलेगा तो ये रिलेटेबल नहीं है, तो उसको छोड़ दो। पर मैं अपने जब तैयारी कर रही थी मैंने NCERT पढ़ा, पूरा मैंने NCERT पढ़ा, डिफरेंट 11th और 12th का मैं पढ़ के गई थी। पढ़ के रट्टा मारना नहीं होता है, पढ़ के अपना नोट्स बनाना होता है और ऐसे पेसेज में बनाना होता है, जितना आपको चाहिए उतना ही आप पढ़ो। ऐसे पेजेस टू पेजेस पढ़ के नोट्स मत बनाओ, कीवर्ड्स निकालो, उसके इर्द गिर्द में आप सर्च करो, गूगल सबके पास अवेलेबल है, या बुक से पढ़ो, ऐसे नोट्स बनाना पड़ता है। तो ये ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पेड कोर्स में मिलेगा अच्छे से, तो यू कैन ज्वाइन देयर, ठीक है। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन इज अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रीअवेकनिंग व्हेन द सोर्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर बिकम समवन आउटसाइड ऑफ द फैमिली, दिस स्टेज इज कॉल्ड ओरल, फैलिक, जेनिटल एंड एनल। तो आंसर वुड बी जेनिटल, ठीक है। जो फ्रूड है, फ्रूड के जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस है, ओरल, एनल, फैलिक, लैटेंट, जेनिटल, ठीक है। तो जो आपके सेक्सुअल प्लेजर है, ठीक है, जब रिवेक होते हैं किसी में, बच्चे में, ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द फैमिली मेंबर से, तो उस स्टेज को कौन सा स्टेज बोला जाता है? दैट वुड कॉल एज जेनिटल स्टेज, ठीक है। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन इज फाइटिंग इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल मैस्कुलिन रोल एंड क्राइंग इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल फेमिनाइन रोल। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट? जेंडर रोल्स, जेंडर टाइपिंग, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर इक्वलिटी। तो आंसर वुड बी जेंडर टाइपिंग। बाकी जो है, जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर इक्वलिटी क्या है, आइए जान लेते हैं। सी, व्हाट इज जेंडर रोल्स? जेंडर रोल्स इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस, ग्रूम, कॉन्डक्ट आवर सेल्फ बेस्ड ऑन आवर असाइंड सेक्स, ठीक है। मीन्स अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल पर्सन, सोसाइटी क्या हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग बोले, कैसे हम लोग ड्रेस करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक गर्ल्स एंड वेमेन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस टिपिकली फेमिनाइन वेज एंड बी पोलाइट, एकोमोडेटिंग एंड नर्चरिंग। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, सबने पूरे अपने लाइफ, अभी तक लाइफ स्पैन ने कुछ ना कुछ महसूस किया है, तो आपको पता है ना, हमारे सोसाइटी कैसे स्टीरियोटिपिकल वे में सोचते हैं, ठीक है, हम कैसे बिहेव करें। एंड जेंडर टाइपिंग क्या है? सी, जेंडर रोल, जेंडर टाइपिंग, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इक्वलिटी, हर
एक स्पेसिफिक ये जो शब्द है इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, तो वो थिन लाइन का गैप है वो आप पहले जान लीजिए। जेंडर टाइपिंग क्या है अभी? इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ देयर जेंडर, दस बिहेव्स अकॉर्डिंगली बाय अडॉप्टिंग द वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द सेक्स दैट दे आइडेंटिटी एज देयर ओन। एग्जाम्पल में क्या बोला है? जेंडर टाइपिंग रेफर्स टू द कलर प्रेफरेंसेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे बोला जाता है, अभी तो बेबी शावर भी हो रहा है ना, वेस्टर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं। हाँ, उस बेबी शावर में आइडेंटिटी नहीं होता है अभी, क्योंकि इंडिया में वो बैन है जेंडर आइडेंटिटी करना, पर आप वेस्टर्न कंट्री में देख सकते हो कि अगर बॉय है तो ब्लू में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर गर्ल है तो पिंक में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज आइडेंटिटी। ये पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि गर्ल के लिए पिंक यूज होगा, बॉय के लिए ब्लू यूज होगा। ये जेंडर टाइपिंग के पार्ट है ना? फिर है जेंडर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? इट इज अ पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। ठीक है, जब खुद हम महसूस करते हैं कि हम कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो उसको जेंडर आइडेंटिटी बोला जाता है। जेंडर इक्वालिटी क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस इज द स्टेट ऑफ इक्वल एज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्टेट ऑफ वैल्यूइंग डिफरेंट बिहेवियर्स। राइट, तो इक्वालिटी मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्सेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या क्या आता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, स्टेट ऑफ वैल्यूइंग ऑफ डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, ये हम लोग हर रोज देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हैं, सड़क पे देखते हैं, अपने घर पे देखते हैं, ऑफिसेज में देखते हैं। राइट, तो अभी इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। तो आशा रखते हैं कि कुछ चेंजेस होगा, ऑब्वियसली चेंजेस होगा। सी देखिए, जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं बीसीसी अप्रोच, तो बिहेवियर चेंज होना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, पर वही लगे रहना पड़ेगा। राइट, तो दोज आर द डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंडर रोल्स, टाइपिंग, आइडेंटिटी एंड इक्वालिटी। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन इज, थ्योरी सजेस्ट दैट लाइक अ मशीन द ऑर्गेनिज्म सिंपली डिटोरिएट्स ओवर टाइम। दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच एज पॉवर्टी एंड पुअर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज व्हाट। तो कौन सा थ्योरी है जो सजेस्ट करता है कि लाइक अ मशीन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिटोरिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। राइट, तो आंसर वुड बी वेयर एंड टियर थ्योरी। तो ये जो चार थ्योरी है ये किन्होंने दिया है, या ये जान लेते हैं। तो वेयर एंड टियर थ्योरी जो है ये डॉक्टर ऑगस्ट वाइसमैन ने दिया है। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एजिंग किसने दिया है? रॉय वालफोर्ड ने दिया है। एक्टिविटी थ्योरी एंड डिस एंगेजमेंट थ्योरी किसने दिया है? हैविगर्स ने दिया है। राइट, नाउ 18 नंबर क्वेश्चन इज, पीएम पोषण हैज रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ विच प्रोग्राम। आपको बोला है कि जो पीएम पोषण है वो कौन से जो प्रोग्राम्स है जो ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में, उसका एक नया नामकरण है, पोषण अभियान, ICDS, MDM एंड SNP। तो आंसर वुड बी MDM। एग्जाम से पहले, ये जून वाले एग्जाम से पहले मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स के वीडियोस आपके साथ शेयर किया था, तो वो आप गो थ्रू कर लीजिए। वहाँ पे पीएम पोषण के ऊपर भी मैंने एक स्लाइड रखा था। तो पीएम पोषण MDM का जो मिड डे मील है उसका नया नामकरण है, पोषण अभियान आपको पता है 2018, ठीक है, ICDS 1975, SNP 1960s में चालू हुआ था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। राइट, अभी वो रिप्लेस्ड हो गया है, मतलब कंबाइंड हो गया है ICDS में। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन इज, द मॉडल विच इज कंसिडर्ड सुइटेबल फॉर द पब्लिक स्पीकिंग बट इज वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रपोज्ड बाय हुम।
तो आंसर वुड बी एरिस्टोटल। तो पब्लिक स्पीकिंग, पर्सुएसिव स्पीकिंग, इथोस, लेगोस, पैथोस, ये सारे जो टर्म्स है ये एरिस्टोटल के जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन इज, गेट कीपर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिचुएशन। तो गेट कीपर स्पेसिफिकली जो फैक्टर है ये कौन से कम्युनिकेशन के पार्ट है? इंट्रापर्सनल, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के पार्ट है गेट कीपर्स। ठीक है, इंट्रापर्सनल मतलब जब हम खुद से बात करते हैं, स्मॉल ग्रुप जहाँ पे दो तीन लोग बात करते हैं, लार्ज ग्रुप मोर देन 15 एंड 20। ठीक है, नाउ 21 नंबर क्वेश्चन इज, अ साइंटिफिक मेथड विच एम्प्लॉयज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पैटर्न। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, एग्जीबिशन, डिस्कशन, फील्ड ट्रिप एंड ऑडियो क्लिप। तो साइंटिफिक मेथड बोलना है जो रिफ्लेक्टिव पैटर्न, जो थिंकिंग पैटर्न है उसको प्रोत्साहित करता है। तो आंसर वुड बी डिस्कशन। तो हम अगर डिस्कशन करते हैं कोई भी चीज को लेके, किसी, मान लीजिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी जो इंडिया के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मैटरनल न्यूट्रिशन के स्टेटस है, वो क्या है, कौन से दिशा में जा रहे हैं, क्यों एनीमिया का परसेंटेज दिन में दिन बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ही कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा, राइट? एग्जीबिशन से क्या होगा, सर्टेन ट्रेंड, कुछ मॉडल, कुछ ग्राफ्स, ये सब देखेंगे, देख के उसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कुछ नहीं होगा। बात करने से एक दूसरे के जो मनोभाव है वो हम समझ सकते हैं, उससे रिफ्लेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। फील्ड ट्रिप से क्या होगा, आप देख के, लाइक एक्सकर्शन हम लोग जाते हैं जब स्कूल से कॉलेज से, तब हम जाके सर्टेन पैटर्न ऑफ थिंग्स सीख के आते हैं, देख के आते हैं। ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप से रिफ्लेक्टिव पैटर्न में, कुछ थिंकिंग पैटर्न में प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे डिस्कशन से पड़ेगा, राइट? नाउ 22 नंबर क्वेश्चन इज, इफ अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विशेस टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स टू अ कम्युनिटी, शी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग पीएलए मेथड। तो आपको बोलना है ये एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन दो जो यूनिट है उसका मर्ज वाला वर्जन है। तो आपको यहाँ पे बोलना है, चार ऑप्शन दिया है, वेन डायग्राम, सोशल डायग्राम, ट्रांसिट वॉक एंड रैंकिंग स्कोरिंग। तो आंसर वुड बी सीजनल डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है, कब यूज होता है, आइए जान लेते हैं। वेन डायग्राम इज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स की इंडिविजुअल प्ले इन अ कम्युनिटी। तो एक, अगर हम लोग गांव में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन से इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर या विलेज के ऊपर, वो हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए वेन डायग्राम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिया है, जैसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, फैन क्लब्स है, फिर रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कम्युनिटी के ऊपर प्रभाव विस्तार कर रहे हैं, उसको जानने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। ट्रांजेक्ट वॉक, इट इज अ ग्रुप एक्सरसाइज दैट एंटेल्स वॉकिंग बिटवीन टू पॉइंट्स टू इंटेंशनली क्रॉस और ट्रांजेक्ट अ कम्युनिटी। द ग्रुप एक्सप्लोर्स द एनवायरमेंटल, सोशल रिसोर्सेस, कंडीशंस एंड सिस्टम बाय ऑब्जर्विंग, आस्किंग, लिसनिंग, लुकिंग, प्रोड्यूसिंग अ ट्रांजेक्ट डायग्राम। तो ये स्पेसिफिकली ना ट्रांजेक्ट वॉक क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटीज है जो जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल इंटेंशनली क्रॉस करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट या टू एक्सप्लोर व्हाट, एनवायरमेंटल एंड सोशल रिसोर्सेस और कंडीशन और सिस्टम। ठीक है, तो एक गांव में एनवायरमेंटल या एक कम्युनिटी में एनवायरमेंटल सोशल रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, वो कैसे पता लगता है, ऑब्जर्विंग, आस्किंग, लिसनिंग, लुकिंग। ये देखिए, ये एक जो पिक्चर मैंने लगाया है, ये ट्रांजेक्ट वॉक ऐसे एक स्पेसिफिक एरिया में हुआ था, तो उसका ही आइडेंटिफिकेशन इन्होंने डायग्राम में दिया है। तो ये जो देख रहे हैं ना लाइन, ये देखिए ब्लू लाइन कैसे वॉक हुआ है क्रॉसओवर मोड में पूरे गांव में,
तो इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं ट्रांजिट वॉक। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन इज उन्नत भारत अभियान एम्स टू सपोर्ट व्हाट। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, लिटरेसी एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज अर्बन एरियाज, थर्ड इज स्किल बिल्डिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ इज इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। एजुकेशन हायर एजुकेशन के साथ उन्नत भारत का कोई रिलेशन नहीं है, स्मार्ट सिटीज के साथ भी नहीं है, लिटरेसी के साथ भी नहीं है। तो आंसर वुड बी स्किल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। नाउ 24 नंबर इज सुंदरलाल बहुगुणा लीड द फॉलोइंग मूवमेंट इन आवर कंट्री। आंसर वुड बी चिपको मूवमेंट। और जो ऑप्शन है, भूदान आंदोलन, एंटी करप्शन मूवमेंट, ये किन्होंने दिया है या किसके द्वारा ये लीड किया गया था? तो भूदान मूवमेंट क्या है? भूदान मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। ये आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर नेम ऑफ द भूदान मूवमेंट इट वुड बी ब्लडलेस रिवोल्यूशन वाज अ वॉलंटियरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड बाय गांधियन विनोबा भावे इन 1951। सेकेंड इज एंटी करप्शन मूवमेंट पॉपुलरली नोन एज अन्ना आंदोलन और सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस द इंडिया बिगेन इन 2011 बाई अन्ना हजारे। नाउ 25th नंबर क्वेश्चन इज टू अकाउंट द डिफरेंसेस इन प्री टेस्ट मीन्स। तो प्री टेस्ट का जो मीन है फॉर स्टैटिस्टिकली इक्वेटिंग ग्रुप्स ऑन अदर फैक्टर्स और को वेरिएट्स दैट द इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट्स में इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल वी यूज। यहाँ पे चार ऑप्शन है, रैंक साइंटिस्ट, मैनोवा, एनकोवा एंड पियर्सन कोरिलेशन। तो आंसर वुड बी एनकोवा। आइए देख लेते हैं, तो एनकोवा है क्या? एनकोवा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। द एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ एनोवा एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट है। तो एनकोवा जो है ये एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस और रिग्रेशन एनालिसिस के मिश्रण है, कम्बिनेशन है। द बेसिक टर्म्स ऑफ एनकोवा एग्जामिन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ कोवेरिएट फैक्टर। नाउ द मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको बोलते हैं मैनोवा इस प्रोसीडियर प्रोवाइज रिग्रेशन एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल बाय वन और मोर फैक्टर ऑफ वेरिएबल और कोवेरिएट्स। एनकोवा क्या है? इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट देख रहे थे और उसके साथ साथ रिमूव कर रहे जो कोवेरिएट इफेक्ट है। और मैनकोवा में क्या है? इसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस एंड वेरिएंस को भी एनालाइज कर रहे हैं मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बाय मोर और वन और मोर फैक्टर वेरिएबल और कोवेरिएट्स, ठीक है। फिर साइन रैंक टेस्ट क्या है? इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस टेस्ट यूज्ड फॉर इधर टू टेस्ट लोकेशन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा और टू कंपेयर द लोकेशन ऑफ टू पॉपुलेशन यूजिंग द मैच सैंपल। पियर्सन कोरिलेशन क्या है? इट इज अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेजर द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, बेसिक जो वेरिएबल, आई होप कि आप लोग जो अभी जो नए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए रिसर्च थोड़ा नया होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले फर्स्ट पेपर से अच्छे से रिसर्च पढ़ो, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। एमएससी में सबको स्टैटिस्टिक, आई डोंट नो जो एमए पढ़ के आ रहे हो, आई होप कि उन लोग थोड़ा स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद से पढ़ो। और जो साइंस से आ रहे हो बच्चे, उनका स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली एमएससी का पार्ट होता है, तो उनमें उतना पढ़ाया नहीं जाता है, राइट? उसमें ज्यादातर हम लोग मैथ्स वगैरह सॉल्व करते हैं, पर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो हम सीख के थोड़ा सा बेसिकली वहां पे लैक हो जाता है बिकॉज सेमिस्टर का प्रेशर रहता है, सबको पता है, राइट? पर
पर अभी आपके पास टाइम है, आप रिसर्च सीख सकते हो, क्योंकि आप अगर पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी सीखना है, एसपीएसएस है ना, फिर आर अभी नया आया है, स्टेटा, ठीक है? तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है। शॉर्ट आप नोट्स बनाओ कि एनकोवा क्या है, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, और कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे अगर पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स बना के, तो आपके लिए वो समझने में भी इजी रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन करने में भी इजी रहेगा। आई वुड सजेस्ट अभी अगर आपके पास टाइम है, आप तैयारी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ना ऑनलाइन कोर्स आते हैं, एसपीएसएस कैसे सीखा जाता है, ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स आता है, उससे आप एसपीएसएस सीखो, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है रिसर्च में वो सीखो, अगर आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी करना है, बिकॉज पीएचडी में जाके ना आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, राइट? तब लगेगा कि अरे मैं तो, मुझे कुछ नहीं आता है, तब डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अभी से ही थोड़े थोड़े करके सीखते हुए जाओ, बाकी सीनियर्स आपको मिल जाएगा जो हेल्प करेगा, अगर बहुत किस्मत खराब रहा तो नहीं मिलेगा, है ना, पर मिल जाता है जो आपको सिखाएगा सामने से, पर उसके लिए भी एफर्ट देना पड़ेगा, पर खुद से सीखने का प्रयास रखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी। तो अभी से धीरे धीरे कौन सा टेस्ट कहाँ यूज होता है, कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, एसपीएसएस से आप चालू करो, वो बेसिक है, मैंने भी अपने मास्टर्स में स्पेसेस मुझे सीखना पड़ा, तो उसका बहुत बेनिफिट्स आगे के लिए मिला, है ना? तो आप देखो, एक्सप्लोर करो। नाउ 26 नंबर क्वेश्चन इज, अ स्टडी इज डिजाइन टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। किसके ऊपर इफेक्ट्स देखना है, किसके ऊपर देखना है, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। इसमें आपको बोलना है जो दो वेरिएबल है, एजुकेशनल प्रोग्राम और अचीवमेंट, ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपके स्टूडेंट्स अचीवमेंट है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? नाउ 27 नंबर क्वेश्चन इज, क्यू यू एन क्वांट क्वाल नोटेशन इंडिकेट्स दैट। आपको बोलना है ये जो आपको क्वांट क्वाल दिया है, ये किसको इंडिकेट करता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, एंड द राइट करेक्ट ऑप्शन वुड बी थर्ड, क्वालिटेटिव मेथड्स आर एम्बेडेड विद इन द क्वांटिटेटिव डिजाइन। क्यों, आइए जान लेते हैं। क्वांट क्वाल क्या है, दिस आर डिडक्टिव सिक्वेंशियल डिजाइन वेयर द कोर कंपोनेंट इज क्वांटिटेटिव एंड द सप्लीमेंटल कंपोनेंट इज क्वालिटेटिव। इसलिए बोला है क्वांटिटेटिव कंपोनेंट के अंदर जो क्वालिटेटिव कंपोनेंट है वो एम्बेडेड है, ठीक है? नाउ 28 नंबर क्या बोला है, व्हेन अ हिस्टोग्राम रीचेस इट्स पीक एट द सैंपल मीडियन एंड देन डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली ऑन द बोथ साइड ऑफ द पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट। पॉजिटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन मोड मीडियन डू नॉट कॉन्साइड। तो आंसर वुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोथ साइड अगर सेम वे में जाते हैं तो नॉर्मल होता है, ठीक है? पॉजिटिव स्क्यूड क्या है, नेगेटिव स्क्यूड क्या है, आई हैव डिस्कस्ड, तो आप देख लीजिएगा पहले का जो वीडियोस है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डेटा शोज सैंपल वेट्स ऑफ द न्यूबॉर्न ऑफ द टू एडजेसेंट सिटीज। ये सिटी वन है, ये सिटी टू है, न्यूबॉर्न का वेट दिया है, ठीक है? आपको बोलना है विच विल बी द सुइटेबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टू असेस इफ द मीन ऑफ वेट न्यूबॉर्न वेरी सिग्निफिकेंटली ऑफ और नॉट। तो सिग्निफिकेंस आपको देखना है कि कौन से सिटीज में ज्यादा, तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कि कौन से सिटीज में सिग्निफिकेंट है न्यूबॉर्न का वेट, ठीक है? तो इसमें आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, पेयर टी टेस्ट है, पियर्सन है, रैंक टेस्ट है, विलक्सन है, तो आंसर वुड बी पेयर टी टेस्ट, यहाँ पे हिंदी में दिया है। तो पेयर टी टेस्ट हम कब करते हैं, पेयर टी टेस्ट व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स फॉर सेम सब्जेक्ट। तो हम लोग को अगर डिफरेंस चेक करना है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के ऊपर दो वेरिएबल का, तो तब हम लोग पेयर टी टेस्ट करते हैं, या इंटरवेंशन
मान लो 3 मंथ्स का इंटरवेंशन चल रहा है, सेम सैम्पल साइज है, सेम सब्जेक्ट है, सैम्पल साइज कुड बी डिफरेंट बट सेम सब्जेक्ट है, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। इसका अगर प्री एंड पोस्ट करना है तब भी हम लोग पेयर टी टेस्ट इंटरवेंशन के आगे और पीछे का डेटा एनालिसिस करने में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है आपको बोलना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे राइबोज इज अ मोनोसैकराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड, इनुलिन इज एन ओलिगोसैकराइड, माल्टोट्रायोज इज एन ओलिगोसैकराइड, राइब्यूलोज इज अ पॉलीसैकराइड। तो आंसर क्या होगा, राइबोज इज अ मोनोसैकराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड एंड माल्टोट्रायोज इज अ ओलिगोसैकराइड। इनुलिन क्या है, इनुलिन पॉलीसैकराइड है, ठीक है, इनुलिन पॉलीसैकराइड है, प्लांट्स में मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में दिया है। 31 क्या पूछा है, इक्विपमेंट कॉमनली यूज न्यूट्रिशनल एंथ्रोप्रोमेट्री इंक्लूड सॉल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बॉम कैलोरीमीटर एंड प्रिसीशन कैलिपर। तो आंसर उड भी आपको बोला है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री में कौन सा आपके इक्विपमेंट यूज होता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, यूनिट 2 में एक सब पार्ट है उस वहाँ पे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन दिया हुआ है। हर बार आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री के ऊपर मिलेगा, फिर स्कीम्स के ऊपर मिलेगा, राइट। तो देखिए यहाँ आंसर क्या होगा, सॉल्टर स्केल, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर और कैलिपर। क्यों सॉल्टर स्केल कहाँ पे यूज होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर में, है ना, एक ऐसे पहले एक वेइंग मशीन, अभी तो डिजिटल वेइंग स्केल बच्चों का आ रहा है, पहले क्या होता है, अभी भी बहुत सारी जगह मिलता है कि एक ऐसे गोला चक मतलब गोला लगा होता है, उसके साथ साथ ना नीचे एक बैग थैला टाइप लगा होता है, बच्चे को उस थैले में डालना होता है और उसके बाद वो जो आपकी विंग्स का जो काटा लगा होता है वहां पे बच्चे का वेट दिखता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्टर स्केल। बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर क्या है, इससे बॉडी कंपोजिशन, फैट कितना डिपॉजिट है, ये सब देखने के लिए मिलता है। प्रिसीजन कैलिपर क्या है, कैलिपर से आपको TSFT SSFT जो ट्राइसेप स्किन फोल्ड थिकनेस है, मतलब जो आपके बाहू है उसका जो स्किन फोल्ड फैट कितना है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर SSFT सबस्कैपुलर स्किन फोल्ड थिकनेस, ये सब देखने के लिए प्रिसीजन कैलिपर यूज होता है। तो आंसर वुड बी 4 A, B and E। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाइपरग्लाइसेमिया में बी कॉज्ड बाय, यहाँ पे कंडीशन दिया है, टू लिटिल ग्लूकागॉन, टू लिटिल इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज फूड इंटेक एंड डिक्रीज फूड इंटेक। तो आंसर वुड बी इंक्रीज फूड इंटेक, फिर टू लिटिल इंसुलिन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। डिक्रीज फूड इंटेक नहीं होगा तो फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, और टू लिटिल ग्लूकागॉन इससे भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, तो इसलिए ए और ई नहीं होगा। 34 नंबर क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी इन मेटाबोलाइजिंग द डायट्री इनटेक इज नोन एज, 4 ऑप्शन दिया है, रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज रेशियो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, कार्डियक डिस्चार्ज रेशियो, कार्डियक एक्सचेंज रेशियो। तो आंसर वुड बी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। अगर किसी ने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है, जो न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, बी श्री लक्ष्मी के जो न्यूट्रिशन साइंस के फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही दिया हुआ है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या है, बॉम कैलोरीमीटर क्या है ना, फिर किलो कैलोरी, किलो जूल क्या है, राइट। अगर जो न्यूट्रिशन वाले बच्चे नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप बी श्री लक्ष्मी खरीदो, पूरा किताब देख के डरने की कोई बात नहीं होगा, मतलब बात नहीं बनेगा, बिकॉज पूरे बीएससी एमएससी में हम लोग वो किताब पढ़ते हैं,
उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स के किताब हैं वो पढ़ते, पर भी श्री लक्ष्मी बेसिक है। कोई भी आप नेशनल लेवल एग्जाम में जाओ, अगर आपको श्री लक्ष्मी दिमाग में है तो आई होप कि आप न्यूट्रिशन सेक्शन से जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर सही से दे पाओगे। तो जो बच्चे एकदम जीरो से उसको न्यूट्रिशन पढ़ना है, श्री लक्ष्मी पढ़ो, और जो होम साइंस के यूनिट है न्यूट्रिशन के, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना, पूरा पढ़ने मत जाना, बहुत कंफ्यूजिंग होगा। फिर लगेगा मैं न्यूट्रिशन यूनिट छोड़ के मैं एग्जाम देने जाऊंगी, ऐसे लगेगा। तो जो जो रिलेटेबल है वो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो हुई, आप मेरे कोर्स ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको एकदम कॉम्पैक्ट वे में मिलेगा हर एक चीज। जितना है उतना ही पढ़ के जाओ, तो ज्यादा पढ़ के मत जाना। मैं तो सब बोलते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पर मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम कम है। मैं भी करती थी, मुझे भी जब ब्रेक मिलता था तब मैं थोड़ा देख लेती थी। तो आपको मैं तरीका सिखाऊंगी, नुस्खा सिखाऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है। तो यू कैन ज्वाइन माई पेड सेशन नाउ। 35 नंबर क्वेश्चन इज, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू व्हाट? ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया, जिंक डेफिशिएंसी, पर्निशियस एनीमिया, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। आंसर वुड बी पर्निशियस एनीमिया, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट डेफिशिएंसी तो होता है, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, इसको न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोलते हैं, और सिकल सेल एनीमिया, जिंक डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया को इनहेरिटेड या जेनेटिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है ना। सिक्स नंबर क्वेश्चन इज, इन सीरीज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज द मोस्ट रिसेंट 2019 एंड 20 में कौन सा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको बोलते हैं NFHS। तो रिसेंट जो हुआ है, जिसका डेटा हम लोग लेके काम करते हैं, वो है NFHS 5। अभी NFHS 6 आने वाला है, काम उसके ऊपर चल रहा है। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन इज, एयर इज अ मीडियम ऑफ कुकिंग इन इन दिस कुकिंग मेथड। आपको बोलना है एयर मतलब वायु के माध्यम से, है ना, कौन से खाना के जो मेथड्स है, खाने पकाने का मेथड्स, ये बनाया जाता है, स्ट्यूइंग, सॉटिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। तो आंसर वुड बी ग्रिलिंग, फिर रोस्टिंग एंड बेकिंग। स्ट्यूइंग में इसमें मॉइस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड, ठीक है। सॉटिंग में भी सेम है, तो आंसर वुड बी ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग मेथड्स है मोटा मोटा, एक है ड्राई हीट, एक है मॉइस्ट हीट, और एक है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में मॉइस्ट हीट भी होता है, ड्राई हीट भी होता है, बॉइलिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्बिनेशन हीट मेथड, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट्स ऑफ बेड ऑफ सीविंग मशीन। जो नीडल है, फिर सीविंग मशीन है, वहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। तो कुछ कुछ टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंट वेरिएशन से आता है, कभी कभी तो रिपीट क्वेश्चन, बहुत किस्मत अच्छा है तो रिपीट क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पे बोला है कौन से पार्ट है जो सीविंग मशीन बेड का पार्ट नहीं है, बेड बेड का पार्ट नहीं है। तो आंसर वुड बी फेस प्लेट एंड प्रेशर फूड, ठीक है। बाकी फीट डॉग और ओसाकेलेटिंग हुक, ये सीविंग मशीन बेड का पार्ट है, ये बॉबिन होल्ड करने में हेल्प करता है, फीट डॉग कपड़े को आगे ले जाने में हेल्प करता है, स्कैटर्ड एजेस होते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड विथ टू द बॉडी। मैंने जब एग्जाम दिया था 2020 में, तब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइट, हाइट ऑफ द बॉडी, कि क्या चीज कपड़े में ऐड करने से इंसान के हाइट बढ़ जाता है, बढ़ मतलब बढ़ नहीं जाता है, लगता है कि बढ़ गया है, राइट।
तो अभी क्या पूछा है, वीड मतलब चौड़ा पूछा है कि इंसान थोड़ा चौड़ा लगता है ना। तो क्या है, ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर कफ्स, सिंगल कॉलर, सिंगल कॉलम कलर, स्टोक पाइप पैंट, टर्टल नेक एंड चोकर्स। तो स्टोक पाइप पैंट तो नहीं होगा क्योंकि ये हाइट ऐड करने में हेल्प करता है। तो सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सी अगर हट जाता है तो आंसर वुड बी सिंगल, सॉरी कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर एंड कफ, फिर टर्टल नेक एंड चोकर। तो फोर वुड बी द आंसर। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग। आपको बोलना है ट्रांसफर प्रिंटिंग के फीचर्स क्या है। ऑप्शन आइए देख लेते हैं। इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइंस, इट यूजेस पॉल्यूट्स मोर वाटर देन अदर प्रिंटिंग मेथड्स, द प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट, द प्रिंट्स आर ऑफ गुड क्लैरिटी एंड डिजाइन ऑफ डिजाइन इज इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन नीट फैब्रिक एज द फैब्रिक इज डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आंसर वुड बी इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड द प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट एंड द प्रिंट्स आर गुड क्लैरिटी ऑफ डिजाइन। सी इट यूजेस पॉल्यूट्स मोर वाटर देन अदर प्रिंटिंग मेथड, नो, एंड इट कैन नॉट बी यूज ऑन द नीट फैब्रिक, नो, इट इज नॉट। यहाँ पे देखिए दो नेगेटिव ऑप्शन है, एक पॉल्यूट्स वाटर, ट्रांसफर प्रिंटिंग में वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, और ये नीटिंग में भी, नीटिंग जो फैब्रिक है, नीट फैब्रिक, इसमें भी यूज किया जाता है। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग में बेसिकली है इट हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन, गुड क्लैरिटी इन द प्रिंट्स एंड द प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। नेक्स्ट जो सॉर्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस है वो हम लोग पार्ट टू में लेके आएंगे। और फॉर एनी क्वेरीज ऑफ द पेड सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट टू द JRF अड्डा टीम। उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियोज लेके आऊंगी, हमारा स्ट्रेटेजीज क्या रहेगा, हम कैसे पढ़ेंगे, दैट वुड बी द लाइव सेशन। हम मैंने बहुत कमेंट में पढ़ा कि मैम लाइव लेके आइए, वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट विथ यू। तो ऑब्वियसली, पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन होता है। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मैं हमेशा लाइव लेके नहीं आ पाती हूँ, पर ऑब्वियसली पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, मैं रहूँगी और हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, हम लोग मज़े से सीखेंगे, है ना। होम साइंस बहुत सारे लोग बोलते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, अरे क्या है, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, पर हर सब्जेक्ट का वैल्यू है। अगर मेरा तैयारी उस टाइम में, मैं जब बुक ओपन किया था फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, मुझे भी लगा था मैं कहाँ से चालू करूँ। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि आधे चीज़ तो न्यूट्रिशन वाले सेक्शन आई नो, बाकी चीज़ मुझे पता नहीं है कहाँ से प्रिपेयर करूँ, पर मैं बहुत सारे स्मार्ट स्ट्रेटजीज अप्लाई किया था। तो वो स्मार्ट स्ट्रेटजीज सीखना बहुत ज़रूरी है, और तब का मेरा मेहनत अच्छा था। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वैसे तैयारी करो, वैसे मेहनत करो और अच्छे से करो। देखो आपके जो मेहनत आप पूरे जिंदगी में करते हो ना, वो कभी फेलियर नहीं होता है, वो तो यूटिलाइज होता है, आज नहीं तो कल वो होगा, है ना। नेट क्लियर कर रहे हो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी होगा, अगर आपके मेहनत जो 100% है तो, है ना, अगर आपके तैयारी 100% है तो वो तो रंग लाएगा ही, है ना। तो हम लोग सीखेंगे अच्छे से, हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस में। तो उसके लिए हम लोग एक सेशन लेके आएंगे, जल्दी लेके आऊंगी, एक दो दिन में ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइव रखूँ और जितने भी आपके क्वेरीज है उसका मैं जवाब दे पाऊँ, फॉर पेड कोर्स रिलेटेड स्ट्रेटजीज डिस्कस करूँ। और मुझे भी बहुत मन है बहुत दिनों से कि मैं सॉर्ट ऑफ बहुत स्टूडेंट्स देखती हूँ, बहुत कॉमन है जो हर रोज कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, तो टिप्पणी दे के जाते हैं, तो मैं इंटरेक्शन करूँगी उन लोग से भी, है ना। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा लाइव क्लासेस, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी वीडियो शॉर्ट्स में। तो तब तक के लिए आपने तैयारी जारी रखो, बहुत सारे
ऑनलाइन कोर्सेस है वो करते हुए रहो, पीएचडी नोटिफिकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में निकला है वो भरते रहो, है ना, जब तक रिजल्ट ना आए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओ थैंक यू आज के लिए।